आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको देखकर आपको बड़ी हैरानी और परेशानी होगी। आप सोचेंगे क्या ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, आज हम जयपुर में रहने वाली एक विवाहिता के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी शादी तो हुई लेकिन उसके लिए शादी एक दर्द पीड़ा बन के रह गई। कविता मीणा न्याय की गुहार के लिए दर दर भटक रही है। आज हम आपको कविता मीणा से प्राप्त जानकारी के अनुसार कविता विवाह विजय से 25 अप्रैल 2012 को हुआ यह प्यार पैच। ये विवाह प्यार में आकर्षण बनने के कारण दोनों के घर वालों ने विवाह किया था, जिसमें विजय ने अपने आप को एक बैंक में मैनेजर के रूप में बताया था। विजय मीणा ने नौकरी का झांसा देकर कविता से शादी कर ली और शादी के समय कविता के घर वालों ने विजय को दहेज में 6 लाख रुपए नगद, एक ऑल्टो कार, 15 तोला सोना विजय मीणा को दहेज में दिया था। लड़की के माँ बाप ने शादी भी बहुत अच्छे से की थी लेकिन कुछ समय बाद ही विजय ने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया। लड़की पर अत्याचार करना, अपशब्दों का इस्तेमाल करना, मारपीट करना चालू कर दो, और क्योंकि लड़की को संपूर्ण जानकारी मिल चुकी थी उसके बारे में, वह कुछ भी नहीं करता है और उसकी गलत हरकतें, मदिरा पान आदि के उसके द्वारा परिवार के लोगों पर दबाव बनाना, दहेज और देने के लिए लड़की को बदनाम करना, इस संबंध में वह 2 से 3 बार जेल भी जा चुका है जैसा कि जानकारी मिली है, जिसकी FIR संलग्न है। देखने की बात है कि FIR भी होने के बाद भी कुछ समय बाद अपने आप को जेल से फ्री कर लेता है और सबसे बड़ी बात है कि उसका यह अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। आप कविता की सरकार से एक ही प्रार्थना है कि उसे जल्द से जल्द तलाक दिलाया जाए और विजय के द्वारा लिए गए दहेज के सामान और पैसे को उससे वसूल कर कविता को दिलाया जाए जिससे वह अपने 3 बच्चों का भरण पोषण कर सके। नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं। हमारे साथ कविता मीणा है जिनकी शादी विजय मीणा से 11 साल पहले हुई थी। उन्होंने अपने आप को बैंक का बड़ा अधिकारी बताया और प्रेम जाल में फंसा के इनसे शादी कर ली। शादी करने के बाद लगातार इनको परेशान करता रहा, प्रताड़ित करता रहा, शराब के नशे में इन पर कई बार हाथ भी उठाया, मारपीट भी करी। इन्होंने लगातार तमाम जो अधिकारी हैं उनको एप्लीकेशन भी दी, थाने में जाकर अपने जो प्रताड़ित किया जा रहा था उसके बारे में भी अवगत कराया लेकिन इनको कहीं से कोई न्याय नहीं मिल पाया। अब इतने दिन बीत चुके हैं और हम कविता जी से हम आपको आगे भी इसके मामले में कई चीज बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने इनसे झूठ बोला, ड्रिंक करते हैं, छोटे छोटे इनके पास बच्चे हैं, बच्चों को भी बच्चे के साथ भी मारपीट करते हैं, ना उन्हें कभी कोई चॉकलेट वगैरह खाने पीने की चीजें लेके जाते हैं। नमस्ते कविता जी, कब आपकी शादी हुई और किस तरीके से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? 25 अप्रैल 2012 को हमारी शादी हुई थी। शादी में खूब दहेज दिया था, 20-22 लाख के लगभग शादी करी थी। उसके बाद में भी मुझे दहेज के लिए परेशान किया, प्रताड़ित किया, बच्चों को मारना पीटना बहुत परेशान कर दिया। इसमें 3 बच्चे मेरे, एक भी डिलीवरी में मेरे पास में नहीं रहा। मेरे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट किया था। 10-11 साल शादी को हो गए लेकिन एक दिन भी है ना चैन की जिंदगी मेरी। मुझे बार बार मैं नेटवर्क मार्केटिंग पर, मतलब ये पहले हम पढ़ाई करते, मैं खुद तैयारी करती थी कंपटीशन की, तो उस टाइम मम्मी पापा खर्चा देते थे। ये महीने 2 महीने जॉब करता फिर छोड़ देता, एक दिन भी नहीं टिकता, एक 2 महीने भी लगातार नहीं टिकता था ये। फिर माँ बाप देते रहे, बाद में माँ बाप ने देना बंद कर दिया तो इसने बोला कि मैं कमाऊंगा, मैं करूँगा। फिर ये इसने भी कमाना छोड़ दिया। फिर मेरा बेटा हुआ था लास्ट का, तो बेटा 2.5-3 महीने का था। फिर बेटे को लेके फिर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया। 3 महीने का था, 3 महीने के को बच्चे को लेके गांव-गांव में सामान लेके जाती थी, प्रोडक्ट लेके जाती थी, है ना, घर घर में मीटिंगों के लिए जाती थी। जैसे जैसे मीटिंग होती लोग मेरे साथ में जुड़ते जाते, लेकिन जैसे जैसे लोग जुड़ते ना वैसे उन लोगों को फोन करके भड़काता, एक दूसरे के मतलब मेरे प्रति ब्लेम लगाता, मुझे बदनाम करता, लोगों से बोलता इसके साथ तुम काम मत करो, ये ऐसी है, ये धंधे वाली है, ये गलत औरत है। मेरी जो फ्रेंड थी, सहेली रहती मेरे साथ मीटिंगों में, वो घूमती तो उनको भी फोन करता कि तुम इसके साथ काम मत करो। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मेरे बेटे को लेके घूमती रहती थी मैं मीटिंग में। फिर उसके बाद में मेरी धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता गया। तो इतना सब कुछ आपके साथ हुआ तो आपने उनकी कहीं कंप्लेंट करवाई, FIR दर्ज करवाई, क्या कार्रवाई किया? बिल्कुल कार्रवाई की थी, मुंबई थाने में दहेज का केस लगाया था। उसके बाद में फिर पंच पटेल जो हमारे मीणा समाज की मीटिंग होती वो हुई थी। फिर उन्होंने बोला कि अगर हमारे बच्चे को 6 महीने तक, हमारे बच्चे को तो मत दो लेकिन तुम्हारे जो बच्चे हैं उनको अगर 6 महीने तक कमा के दे दोगे तो हमारी बच्चे को भेज देंगे, लेकिन उसका कोई एक पैसा नहीं आया बिल्कुल भी। जिस तरीके से आप बता रहे हो उनके ऊपर कभी क्या पुलिस ने कोई
कार्रवाई करने की कोशिश की, उनको गिरफ्तार किया। इतने जो गंभीर आरोप आप उन पर लगा रहे हैं कि वो दो महीने भी ठीक से नहीं कमा पाते थे, अपने आप को बड़ा बैंक अधिकारी बताकर आपसे शादी कर ली, किस तरीके के मामलों में जाकर पुलिस ने कार्रवाई कर पाई? बिल्कुल, पुलिस ने दो तीन बार वो बंद भी कर लिया है ना, लेकिन छोड़ देते, एक से एक हम बंद करके बोल देते कि मियां बीवी को झगड़ा है, इसलिए है ना अभी कोई कार्रवाई नहीं की। मेरे बेटा हुआ था, लास्ट का बेटा था, तो इसको चार दिन के वो छोड़ के चला गया था। वो फिर उस टाइम में वैशाली में ना रहती थी, तो छोड़ के चला गया था, तो 15 दिन तक मोबाइल बंद कर लिया था। फिर मैंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, किराया वगैरह है ना उनका, जहाँ मैं किराया से रहती तो मम्मी पापा देते थे, तो जैसे जैसे किराया दे जाता फिर वापिस आके रह लेते, फिर किराया बढ़ता वो उनका, फिर वापिस फिर चले जाता। माँ बाप सपोर्ट करते थे, बेटे को छोड़ के चला गया। उसके बाद फिर 2 महीने बाद में आया, फिर बोला कि मैं कमाऊंगा, फिर कोई बात नहीं मम्मी पापा ने मान ली। फिर भी है ना वही उधार करके दूध के पैसे किराया के उधार करके चले जाता, फिर माँ बाप को चुकाना पड़ता, ऐसे परेशान करता था। फिर बंद भी कर लिया पुलिस वालों ने, फिर छोड़ दिया, मतलब रोज रोज के। अब जो आपको परेशान किया जा रहा है, क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो आपका जो पूर्व में जो आपने शादी की थी, क्या आपने शादी होने के बाद में ये जानकारी करने की कोशिश नहीं की थी कि नौकरी करता है या नहीं करता है, किस तरीके से ये आपको परेशान कर रहा है, उसके बाद में क्या घर वालों को आपने बताया? बिल्कुल, शादी हुई थी ना उसके 1-1.5 महीने बाद में ना मेरे को डाउट होने लग गया था। ये अपने आप को बड़ा अधिकारी बताता था कि मैं पठानकोट चंडीगढ़ में जॉब करता हूँ। फिर मैंने बोला शादी बाद की मैं भी चलती हूँ वहाँ पे, एक बार तो ले चलो मेरे को, फिर बाद में चाहे मैं गांव में रह लूंगी। फिर मैंने वहाँ पे जाके देखा है ना, तो 2-3 घंटे चले जाता था फिर आ जाता था। फिर मेरे को धीरे धीरे डाउट होने लग गया इसके ऊपर। फिर मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी करती थी, तो मेरी एग्जाम थी 1 महीने बाद में। फिर मैं गांव आ गई ना, तो उसके बाद में बिल्कुल भी नहीं गया वहां में। मुझे पूरी हकीकत का पता लग गया कि ये कुछ भी काम नहीं करता, दारू पीता था बस, रात दिन दारू पी के और मस्त रहता था। फिर मैंने घरवालों को बताया कि ये बात है। फिर घरवालों ने, रिश्तेदारों ने मेरे को बताया भी है ना कि इस रिश्ते को यही खत्म कर ले, अभी तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैंने समाज को देखते हुए है ना इज्जत की वजह से मैंने सहन करती रही, मैं कोई बात नहीं सुधर जाएगा, कोई बात नहीं सुधर जाएगा, लेकिन इसने बिल्कुल हद पार कर ली। फिर इसने कमाना बंद कर दिया, तो मैंने फिर फील्ड में निकलना शुरू कर दिया कि कोई बात नहीं, तुम अगर नहीं कमा सकते हो तो तुम बच्चों के पास रह लो, मैं कर रही हूँ मेरा काम, मुझे करने दो। अब मैं फील्ड में जाऊँ तो हर किसी के ऊपर शक करना, उसके ऊपर आरोप लगाना, फिर मेरे बारे में ऊट पटांग बोलना, ये ऐसे प्रताड़ित करता रहता है सर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब शादी हुई थी, बैंक अधिकारी बड़ा अधिकारी बताकर इनसे शादी की गई थी। शादी में आपको बता दें 6 लाख रुपए कैश, अल्टो कार और 15 तोला सोना उनको दिया गया था। वो जो सामान्य कार है, सोना है, पैसे या उनके पास है या आपके घर वालों को? सर पैसे तो इसने हैंड टू हैंड शादी में जैसे आए, पता नहीं मुझे तो है ना कहाँ खर्च कर दिए। गाड़ी बेच के इसने दारू वारू के लिए बेच खाएगा, खुद ने ही गाड़ी जीवर है, तो कुछ तो मेरे मम्मी पापा के पास है, कुछ इसने शादी बाद तुरंत ही बेच दिया, मुझे बाद में पता चला था, मैंने मांगा था तब। कार बेची, पैसों को खर्च किया, आपको डाउट नहीं हुआ कि शादी में नई गाड़ी आई है, बेचा है, किस कारण से बेचा? आपको कब पता चला कि वो ड्रिंक करके कभी आपके साथ मारपीट की, क्या कोई ऐसे चोट के निशान? सर मुझे 1-1.5 महीने पता लग गया था बाद में, लेकिन मैंने फिर भी है ना हिम्मत से, मैं कोई बात नहीं है, समय के अनुसार ऐसे समाज को देखते हुए मैं सहन करती रही थी। लेकिन बच्चे छोटे थे ना, तो मुझे चिंता नहीं थी, मम्मी पापा खर्चा देते थे। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए ना, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारियां और बढ़ती गई। मेरे रिश्तेदारियों में ले जाता पैसे मांगने के लिए कि वहाँ चल कभी 10,000 वहाँ से लिए, 20,000 वहाँ से लिए करती है। लेकिन आप जो इंटरव्यू आप देख रहे हैं उसमें राज्य सरकार की जो हकीकत है वो आपके सामने आ जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो ये इंटरव्यू देखना चाहते हैं सभी, जो आजकल के लड़कियां हैं, बच्चे हैं, ये उनके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आजकल प्रेम के जाल में मैनेजर बता के, वीडियो बता के, बड़े अधिकारी बना के बताते आसानी से शादी कर ली जाती है, लेकिन जब बाद में पता चलता है कि वो तो दारू पीता है, कोई काम नहीं करता। जैसे हमारे साथ कविता जी मौजूद हैं, कविता जी पता है कितने ये परेशान है, किस तरीके से इनके आदमी ने इनकी जिंदगी तबाह करके रख दी है, और लगातार ये न्याय की गुहार लगा रही है। राजस्थान सरकार का दावा है कि महिलाओं को अलग से संरक्षण दे रखा है, और महिलाओं के जो उत्पीड़न के जो केस आते हैं उन पर तत्परता से कार्रवाई होती है। क्या कविता जी आवाज इंडिया न्यूज के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे लोगों को? मैं सरकार को यही बताना चाहूंगी, जो मेरे माँ बाप ने जो भी 20-22 लाख रुपए खर्च किए, वो मुझे दिल मेरे बच्चों को मुझे दिलवाया जाए,
मैं सभी महिलाओं से यही अपील करूंगी, जो मैंने गलती करी है वो हर महिला गलती नहीं करे। शुरू से जब से इसको सब कुछ देने के बाद भी दहेज के लिए मुझे प्रताड़ित करना, मारना, पीटना, बच्चों को अभी 2-3 महीने पहले यहाँ झगड़ा करने फिर से आ गया, मेरी उंगली को खा के चला गया, बच्चों को भी मार पीट के चला गया, आए दिन मुझे परेशान कर रहा है। मैंने 2-3 थानों में FIR भी दे रखी है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वरुणपुर थाने में दे रखी है, खेलड़ी थाने में, महुआ थाने में दे रखी है मैंने, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरे को आए दिन धमकी दे रहा है कि तेरे ऊपर तेजाब डालूंगा, तुझे मरवा दूंगा। दोस्तों से फोन करवाता है कभी किसी से, मैं घुट घुट के जी रही हूँ, मेरा जीना आराम कर रखा है। मैं सरकार से यही मेरी सुरक्षा मांग रही हूँ, मुझे स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार मिले। उनके साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते? मुझे उससे तालाब चाहिए, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं अपने बच्चों को लेकर। देखिए ये महिला कितने परेशान है, इनकी आंखों में आंसू है, कितनी इमोशनल है, आप इनका दर्द समझ सकते हैं। अगर राज्य सरकार का कोई मंत्री अधिकारी इस खबर को देख रहा है तो उनसे भी आवाज इंडिया न्यूज यही अनुरोध करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं, महिलाओं को जो न्याय के लिए सरकार ने नियम कानून बना रखे हैं, तमाम थानों में FIR देने के बाद में भी किस तरीके से महिला दर दर की ठोकरें खा रही है सिर्फ न्याय के लिए। और अभी अपडेट का मामला बताते हैं, सभी थानों में एप्लीकेशन कार्रवाई होने के बावजूद भी जो व्यक्ति है जिनसे इनकी शादी हुई थी उनके घर पे आके एक बार कविता ने बताएंगे कहां किस तरीके से आपके अमले पे। देखिए इनके साथ उसने मारपीट की, मारपीट करने के बाद में जब इनको छुड़ाया गया तो इनकी अंगली आप देख सकते हैं वो दांत से चबा के खा गया। अगर इनको बचाव के लिए अगर कोई नहीं होता तो जान से मार दे जाता। आजकल आप देख रहे हैं तेजाब डाल दिया जाता है, जान से मार दे जाता है, ऐसी घटनाएं रोज आ रही है। क्या कविता जी और क्या कहना चाहेंगे आप चैनल के माध्यम से? मैं यही कहना चाहूंगी जो इसकी जमीन है, जो भी इसका हिस्सा है, वो बच्चों को मिले, उसका अधिकार मिले बच्चों का, और जो मेरे माँ बाप ने जो भी दिया है वो पूरा मुझे वापस मिले, मेरे बच्चों को और मुझे। नमस्कार, बने रहिए आवाज इंडिया न्यूज के साथ, इसी तरीके के और भी खबरों से आपको अवगत कराते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मनोज कुमार सोनी, जयपुर।